सुरेंद्र दून एक बार फिर से हरियाणा कैंपस जुलाना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने कुल 7 वीडियोस डाले हैं, आज 8वीं वीडियो है और किसके बारे में है, भेड़ों की नस्लों के बारे में। कल हमने बताया था मुख्य तौर पर 2 नस्लों के बारे में, आज तीसरी स्वदेशी नस्ल है, नाम लिखा है मैंने क्या, चोकला भेड़। कई बार पेपर में आई है चोकला भेड़ राजस्थान वगैरह में, तो सबसे पहली चीज़ देखनी है इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा माना जाता है, क्या चीज़ है उत्पत्ति स्थल। तो उत्पत्ति स्थल कौन सा माना जाएगा, शेखावटी, और शेखावटी कहाँ पे है, राजस्थान। शेखावटी बोला रहे चूरू ने, झुंझुनू ने, ये जितने भी एरिए हैं ये सारे क्या नाम हैं, शेखावटी में। तो ध्यान में रखियो इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है, शेखावटी राजस्थान। सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा, इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम क्या है, छापर। क्या नाम है, छापर। और इसे भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, भारत की मेरिनो के नाम से। कई बुक्स में मगरा को दिया मिलेगा कि मगरा को भारत की मेरिनो बोला जाए, लेकिन ध्यान में रखियो किसको बोला जाएगा, चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो बोला जाता है, और इसका उपनाम क्या है, छापर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इससे बढ़ेगा, ये एक प्रकार की कैसी ब्रीड है, मिक्स ब्रीड। मिक्स ब्रीड का मतलब कि दो नस्लों को क्रॉस करने से बनी है, पहली कौन सी, मेरिनो, और दूसरी कौन सी, नाली। एक चीज वैसे की ध्यान में रखियो, जब आप भैंस पढ़ोगे तो 99% चांस है कि भैंस की जो मिक्स ब्रीड बनी होगी ना, उसमें जो नर मिलेगा वो हमेशा मुर्रा का मिलेगा। इसी तरह से जब आप भेड़ की कोई भी मिक्स ब्रीड पढ़ोगे ना, कोई भी मिक्स ब्रीड पढ़ो, तो उसमें 99% चांस है कि नर कौन सा मिलेगा, मेरिनो का। किसका मिलेगा, मेरिनो का। भैंस में पूछे तो मुर्रा का मिलेगा, और भेड़ में पूछे तो किसका, मेरिनो का। क्योंकि अगर भैंसों में पढ़ो तो सबसे बढ़िया नस्ल मुर्रा है, और अगर भेड़ों में पढ़ो तो सबसे बढ़िया नस्ल कौन सी है, मेरिनो नस्ल है। तो नर था किसका, मेरिनो का, और मादा थी कौन सी नस्ल की, नाली नस्ल की। दोनों को क्रॉस कराने से एक नई ब्रीड बनी, और नाम क्या रखा गया, चोकला। इससे जो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, किसका चेहरा कैसा है, तो चेहरा कैसा है इसका, भूरा चेहरा है। उसके बाद इसके कान कैसे हैं, नाली नुमा, कैसे हैं, नाली नुमा, बिल्कुल लटके हुए से कान मिलेंगे, कौन सी भेड़ के, चोकला भेड़ के, इसकी शारीरिक बनावट है। उसके बाद जो इसमें कमी मुख्य तौर पर पाई जा है, वह क्या पाई जा है, इसके मेमनों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, मतलब जो इसकी जो बच्चे पैदा करेगी उसकी डेथ रेट सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। अगर मापो तो सबसे कम बच्चे जीवित बचे हैं कौन सी के, चोकला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके नाक से, नाक कैसा है इसका, रोमन। रोमन नाक कई बार आ लिया, लगभग हर एक ब्रीड में आवे है, तो रोमन का मतलब क्या है, तोते जैसा। आंखों पर इसके ऊन नहीं पाई जाती, ये भी इसकी एक शारीरिक विशेषता है। तो शारीरिक विशेषता इसकी चार पढ़नी है, पहली चेहरा कैसा है, भूरा, कान कैसे हैं, नाली नुमा, नाक कैसा है, रोमन मतलब तोते के आकार का, और आंखों पर क्या नहीं पाई जाती, ऊन नहीं पाई जाती। इसकी ऊन को गलिया ऊन के नाम से जाना जाए, किसके नाम से, गलिया ऊन के नाम से जाना जाए, और यह है भारत की सर्वोत्तम ऊन की नस्लों में से एक है, मतलब सबसे बढ़िया जो हिंदुस्तान की जो ऊन मानी जाए वो कौन सी मानी जाए है, गलिया ऊन, और इसका उत्पादन कौन सी भेड़ कर देगी, चोकला भेड़। उम्मीद आपको यहाँ तक ठीक ठाक समझ में आया होगा। नेक्स्ट नाम लिखा है मैंने कौन सी, अविवस्त्र, कौन सी, अविवस्त्र। अविवस्त्र भी एक प्रकार की क्या है, मिक्स ब्रीड, क्या है, मिक्स ब्रीड है, और मिक्स ब्रीड किसकी है, मेरिनो की, और किसकी, चोकला की। मैंने अभी बताया आपको कि नर जो मिलेगा 99% चांस है हमेशा किसका मिलेगा, मेरिनो का, तो इसमें भी किसका था नर, मेरिनो का, और जो मादा थी वो कौन सी थी, चोकला। दोनों को क्रॉस कराने से एक नई भेड़ की उत्पत्ति या नई भेड़ की नस्ल बनी, उसका नाम क्या निकल के आया, अविवस्त्र। सींग इसका घुमावदार हो है, घुमावदार का मतलब सर्पिलेकार का सींग हो है, और ऊन का जो उत्पादन करेगी ये करेगी 4 kg, एक साल में कितना, 4 kg। तो इससे 2-3 बात याद रखनी है, अविवस्त्र भेड़ कैसी ब्रीड है, मिक्स ब्रीड, किस किस को क्रॉस कराने से बनी, मेरिनो और चोकला। नर था मेरिनो का और मादा थी किसकी, चोकला की। सींग इसका घुमावदार है, ऊन कितनी दे देगी, लगभग 4 kg देगी एक साल में।
उसके बाद इस साइड आओ, पांचवी जो भेड़ की नस्ल है मैंने नाम लिखा है क्या, अविकालीन भेड़। कौन सी भेड़ है? अविकालीन भेड़। ये भी एक प्रकार की कैसी ब्रीड है? मिक्स ब्रीड है। इसमें नर तो था किसका? मेरिनो का। मादा थी किसकी? मालपुरा की। ध्यान रखियो, एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया राजस्थान के जो कृषि पर्यवेक्षक का है, एक अविवस्त्र है दूसरा क्या है? अविकालीन है। एक अविवस्त्र है दूसरा अविकालीन। ये भी एक मिक्स ब्रीड है, ये भी एक मिक्स ब्रीड है, बस इसमें मादा का फर्क करना है आपने। इसमें मादा थी चोकला और इसमें जो मादा होगी वो कौन सी होगी? मालपुरा। सिंह भी सेम है, इसका भी कैसा था? घुमावदार। और इसका सिंह भी कैसा है? घुमावदार या सर्पिलाकार। ऊन जो देगी उसने क्या बोलेंगे? कालीन ऊन। आप इससे याद रख सको इसको, जिसके पीछे कालीन लग रहा हो ऊन कैसी देगी? कालीन। और जिसके पीछे वस्त्र लग रहा हो वो, उसमें आपने कुछ भी ध्यान में रखना, उसमें केवल ब्रीड ब्रीड से ध्यान में रखना है, बाकी वस्त्र बनाने में ज़्यादा यूज कराया जा है तो इससे इतना सा ध्यान में रखना है कि कालीन ऊन देगी और इससे कालीन वस्त्र बनाए जाएंगे। और लगभग लगभग कितने ग्राम का उत्पादन कर देगी? 1200 ग्राम का उत्पादन कर देगी। कौन सी भेड़? अविकालीन भेड़। उम्मीद है यहाँ तक आप ठीक ठाक समझ पाए होंगे। और जो आखिरी नस्ल स्वदेशी से पढ़नी है उसका नाम क्या है? सोनाड़ी भेड़। कौन सी भेड़? सोनाड़ी। सोनाड़ी की उत्पत्ति कौन सा क्षेत्र? मेवाड़ का क्षेत्र। कौन सा? मेवाड़ का क्षेत्र। मेवाड़ का क्षेत्र किसने बोला रहे हैं? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ये जितना भी क्षेत्र है क्या माँ होगा? मेवाड़ में। रंग कैसा है इसका भी? भूरा रंग है। और इसकी खास विशेषता जो शरीर की है, पूरी दुनिया में सबसे लंबे कान हैं इसके। अगर भेड़ों की नस्लों की बात करो तो सबसे लंबे कान कौन सी भेड़ के? सोनाड़ी भेड़ के। तो टिक मार्क लगाने लायक क्वेश्चन है, सबसे लंबे कान बताए जाएंगे किसके? सोनाड़ी भेड़ के। उसके बाद जो अगली चीज़ आपको इससे देखनी है, त्रिकाजी नस्ल है। ये भी बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगाओ इसके भी, कि भेड़ की एकमात्र त्रिकाजी नस्ल बताएं जो तीनों चीज़ों में काम आओगी, मतलब दूध का भी उत्पादन करेगी, ऊन का भी उत्पादन करेगी और किसका? मांस का भी। तो ये आने लायक क्वेश्चन है, भेड़ की त्रिकाजी नस्ल कौन सी है? सोनाड़ी। किस क्षेत्र में पाई जाएगी? मेवाड़। रंग कैसा है? भूरा। और कान कैसे हैं? सबसे लंबे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनेगा, ऊन उत्पादन से। किससे बनेगा? ऊन उत्पादन से। तो लगभग कितना? 1.5 केजी से लेकर 2 केजी तक का उत्पादन कर देगी ऊन का। और अगर दूध पूछा जाए तो दूध कितना? 1 लीटर। कितना लीटर? 1 लीटर। उम्मीद आपको 6 की 6 स्वदेशी नस्लें ध्यान में आई होंगी। एक सातवीं का नाम और लिख दो यहाँ पे। भारत में अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल बताओ भेड़ की, तो आपने सातवीं का नाम लिखना है। क्या नाम है? लोही। क्या नाम है? लोही। इसको अच्छे से लिख दियो, भारत में दूध देने वाली, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो लोही। और यह प्रकार हो जाएगी कौन से नंबर की? सातवीं। इससे केवल एक के क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली भेड़ की नस्ल तो कौन सी हो जाएगी? लोही। इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। उम्मीद है यहां तक आप समझ पाए होंगे। अगली सबसे स्टार मार्क लगा दो जो भेड़ से क्वेश्चन बनेगा ना, 99% किससे बनेगा? मेरिनो भेड़ से। तो स्टार मार्क लगा के पहली चीज जो पढ़नी है वह क्या पढ़नी है? विदेशी नस्ल है। कैसी नस्ल है? विदेशी। अभी तक जितनी पढ़ी है वो कैसी थी? स्वदेशी। तो मेरिनो कैसी है? विदेशी। सेकंड, इसका उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल ध्यान में रखना है, इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा माना जा है? स्पेन। ऑप्शन में मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, लेकिन ध्यान में रखना है कौन से देश में उत्पत्ति हुई थी? स्पेन में। रंग कैसा है इसका? सफेद। कैसा रंग है? सफेद रंग है। और सींग इसके किस प्रकार के हैं? घुमावदार। कैसे हैं? घुमावदार। बहुत बड़े बड़े सींग हो सर्पिलाकार के। और मादा इसमें कैसी हो है?
सींग रहित मतलब नरक सींग पाए जाएंगे और मादा क्या होगी सींग रहित। तो चार क्वेश्चन बने अब तक। पहली चीज, उत्पत्ति कहां से? स्पेन से। रंग कैसा? सफेद। सींग कैसे? घुमावदार और मादा सींग रहित होगी। अगला क्वेश्चन आए ऊपर की तरफ, गर्दन पर सलवटें पाई जाती हैं, मतलब जो गर्दन का आसपास का क्षेत्र है ना उस पर सलवटें मिलेंगी और ज्यादातर उन उसी एरिया में पा जाएगा मेरिनो बेड का। तो सलवटें जिस बेड का पाई जाएंगी उसका नाम क्या है? मेरिनो बेड। अगला है, इस पूरी दुनिया में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करेगी, ये क्वेश्चन स्टार मार्क लगा दियो, सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाली विश्व में कौन सी नस्ल है? मेरिनो। और लगभग एक साल में कितना उत्पादन कर देगी? 5 केजी से लेके कितना? 9 केजी तक। कितने तक है? 9 केजी तक। और सबसे ज्यादा किस देश में पाई जाएगी? ऑस्ट्रेलिया। तो ये ध्यान में रखना आपने, उत्पत्ति स्पेन में है लेकिन पाई सबसे ज्यादा कहां जाएगी? ऑस्ट्रेलिया। और एक देश और साथ में अगर लिखना चाहो तो सेकंड पोजीशन किसकी है? न्यूजीलैंड की। किसकी है? न्यूजीलैंड की। तो कुल मिला के जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसके वो दो हैं, पहला तो उत्पत्ति स्पेन में करेगी और गर्दन पर क्या मिलेंगी? सलवटें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्या उत्पादन कर देगी? ऊन का। और लगभग कितना? 5 केजी से लेकर कितना? 9 केजी। एक और इसकी खास बात बताऊं, मैंने लिखी नहीं, ऊन जो मिले है ने वो जितनी पतली होगी, छोटे छोटे रेशे होंगे, वो उतनी ही बढ़िया मानी जागर है। और इसकी खास बात यही है मेरिनो की, जो 5 से 9 केजी देगी ने वो ऊन की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया हो, मतलब छोटे छोटे से रेशे मिलेंगे तो ऊन की क्वालिटी भी सबसे बढ़िया और वैसे भी सबसे ज्यादा क्या देगी? या ऊन देगी। इसलिए ज्यादा हाईलाइटेड माना जा है बेड टॉपिक में कौन सी नस्ल को? मेरिनो नस्ल। उसके बाद नेक्स्ट आए, इसमें दे रखा है कराकुल बेड। कौन सी बेड है? कराकुल। तो इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा माना गया है? मध्य एशिया। कौन सा है? मध्य एशिया। खास बात इसकी भी यही है जो पिछले वाली की थी कि मादा सींग रहित होगी, और अगर मादा सींग रहित है, केवल मादा लिख रखा है, तो फिर नरक के मिलेंगे? सींग मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, यह नस्ल मांस उत्पादन के लिए विश्व में विख्यात है। मैंने बताया था शुरू में कि मुख्य तौर पर किस लिए पाली जाओ है भेड़ों को? 3 कारण है इसके, पहला दूध, दूसरा ऊन, तीसरा मांस। तो इसको जो पाला जा है वो खास तौर पर किसके लिए पाला जा है? मांस के लिए। और मांस के लिए भी खास तौर पर किसके लिए? पेल्ट ऊन के लिए। किसके लिए? पेल्ट ऊन। अगर आपने कल हमारा वीडियो देखा हो, 7वां जो वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि पेल्ट ऊन क्या चीज हो है, क्या चीज हो है पेल्ट ऊन? जब भेड़ मर जाए और उसके ऊपर से क्या उतार लें? ऊन उतार लें, उसकी खाल उतार लें, वह क्या कहलावे है? पेल्ट ऊन कहलावे है। पेल्ट ऊन के लिए भी क्यों यूज करा जाए? मेमनों को घुंघराले बालों के लिए मारा जाता है और उससे क्या बनाई जाए? टोपियां बनाई जाए। मैं बेसिक का बता दूं, जब तक बच्चा है, मेमना है, भेड़ का बच्चा है, उसके पहली बार जो हेयर्स आवे हैं शरीर पर, वो हमेशा घुंघराले आवे हैं। और ख़ास तौर पे इस भेड़ के बच्चों में वो ज़्यादा बढ़िया हुए हैं, ज़्यादा घुंघराले, और उनकी हत्या करी जा, मतलब डेथ करी जा है मेमनों की, किसके लिए? घुंघराले बालों के लिए। किसके लिए? घुंघराले जो उनके बाल है ना उसके लिए उनकी डेथ करी जा, और उन घुंघराले बालों से क्या बनाई जा है? टोपियाँ बनाई जा है, उसी ने क्या बोलते हैं? पेल्ट ऊन। क्या बोल देंगे? पेल्ट ऊन। और खास तौर पर मेमनों के घुंघराले वालों के लिए इसकी हत्या करी जाएगी और बनाया के जाएगा टोपियां। तो मुख्य तौर पर 2-3 पॉइंट बने इसके, कराकुल बेड पाई कहाँ जाएगी? मध्य एशिया में। किसके लिए पाली जा है? मांस के लिए। और किसके लिए? पेल्ट ऊन के लिए। पेल्ट ऊन किसकी? मेमनों की, क्योंकि मेमनों के बाल कैसे हैं? घुंघराले। और उन घुंघराले बालों का यूज कराया जाएगा क्या बनाने के लिए? टोपियां बनाने के लिए। आज की लास्ट बेड है वो कौन सी है? कोरोडेल बेड। कौन सी है? कोरोडेल। उत्पत्ति स्थल पहला तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका उत्पत्ति स्थल है कोरोडेल का, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। मेरिनो का कौन सा है? स्पेन। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको अच्छे से टिक मार्क लगा दियो। सेकंड जो क्वेश्चन है, ये भी कैसी ब्रीड है? मिक्स ब्रीड। मिक्स ब्रीड में मैंने कई बार बता रखा है कि लगभग 99% चांस है कि नर किसका होगा? मेरिनो का।
और मादा कौन सी थी? बीकानेरी। कौन सी थी? बीकानेरी। ये जब भी बच्चे पैदा करेगी तो इसकी खास बात है जुड़वा बच्चे, मतलब दो बच्चे देगी ना तो एक देगी और ना तीन या चार देगी, कंटिन्यूसली कितने बच्चे पैदा करेगी? दो बच्चे, ये इसकी खास बात है। भारत में ये कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? कश्मीर के क्षेत्र में। खुर कैसे हैं इसके? खाड़े हैं। और ऊन कितने दे देगी? 4.5 kg। और कितने दिना में? एक साल में। कितने साल में? एक साल में लगभग कितनी ऊन दे देगी? 4.5 kg। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने बताया 7 तो स्वदेशी नस्लों के बारे में और 3 किसके बारे में? विदेशी। तो कुल मिलाकर कितनी नस्ल होगी? 10। एक क्वेश्चन और अगर लिखना चाहो तो ये और लिख दो कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली विदेशी नस्ल भेड़ की तो वो कौन सी है? ओस्मी। जैसे मैंने बताया ना, अगर भारत में पूछा कि दूध देने वाली सर्वाधिक कौन सी है? लोई। तो इसी तरह से अगर विदेशी में पूछा कि दूध देने वाली सर्वाधिक भेड़ की नस्ल कौन सी है तो कौन सी है? ओस्मी। इससे केवल एक एक क्वेश्चन आओगे, और अगर ऊन पूछ ले तो कौन सी? मेरिनो। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। टोटल हमारे 8 वीडियोज आ चुके हैं। 7 वीडियोज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।